Hello everyone, welcome to my channel Students the Exam Fighters. So today we are doing the very important chapter of history, that is chapter first, that is nationalism in Europe. So the chapter first of our history is nationalism in Europe. So, if we talk about boards or the exams that we have in our schools, this chapter is very important regarding the boards or your school exams. Okay, बहुत ज़्यादा important chapter है ये nationalism in Europe और nationalism in India. ये दोनों chapter बहुत important है. History का mainly जो आपके 3 marks हैं, 5 marks की question है, वो basically इन्हीं दो chapters में आपको मिलेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. ठीक है, तो सबसे पहले हम एज यूजल चैप्टर का नेम से पता करते हैं भाई क्या है ये चैप्टर. तो नेशनलिज्म इन यूरोप. ठीक है, नेशनलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म? नेशनलिज्म इज देशभक्ति की भावना. देशभक्ति की भावना, तो नेशनलिज्म एक तरीके से फीलिंग होती है जो हम कह सकते हैं देशभक्ति की जो भावना होती है उसे हम इंग्लिश में नेशनलिज्म कहते हैं. तो नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन वो लोग थे जिन्होंने नेशनलिज्म फैलाने में हेल्प आउट किया. जैसे हम इंडिया की बात करें तो नेशनलिज्म ऐसे तो फैलने गया कि अपने ही आप लोग आ गए, खड़े हो गए, लड़ना स्टार्ट कर दिया. नहीं, कुछ लोगों का मेन रोल रहा, लाइक महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग हमारी इंडिया में फैलाई और हमें आज फ्रीडम मिली. ठीक है, उसी टाइप से यूरोप भी एक टाइम पे कॉलोनाइज रहा होगा, किसी कंट्री ने किया होगा, किसने किया वो भी हम पढ़ेंगे. तो फिर कैसे कौन वो लोग थे जिन्होंने यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग फैलाई. ठीक है, तो यूरोप, अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि यूरोप एक कंट्री है, सो यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. नो, यूरोप कोई कंट्री नहीं है. ठीक है, यूरोप एक किंगडम है. पहले हम इसे किंगडम कहते थे जिसे आज हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. तो पहले की पढ़े तो हम किंगडम ही रिकॉल करेंगे. तो यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बेसिकली 44 कंट्रीज हैं. उन 44 में से 4 की हिस्ट्री आपको दी है. फर्स्ट वन इज फ्रेंच, फ्रांस की हिस्ट्री दी है. सेकेंड इज जर्मनी, थर्ड इज इटली एंड फोर्थ इज बलकान. ठीक है, तो ये 4 की हिस्ट्री दी है. आप कुछ सोचेंगे भाई इतनी सारी उसकी हिस्ट्री, नहीं, बलकान तो खाली 3 points एंड द बलकान इज एंड. एंड फ्रेंच की ज़्यादा, फ्रांस की ज़्यादा हिस्ट्री है यहाँ पे. जर्मनी और इटली का हम यूनिफिकेशन पढ़ेंगे. यूनिफिकेशन मीन टू से वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे फ्रीडम मिली और वहाँ की जो कौन कौन लोग थे जिन्होंने मेन रोल प्ले किया. हाँ, जर्मनी में और इटली दोनों में आपको कुछ नेम्स याद करने पड़ेंगे, कुछ लोगों के नेम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, और रही बात डेट्स, आपको फ्रेंच में भी ज़्यादा मिल जाएंगी. जर्मनी, इटली, बलकान सब में डेट्स हैं. तो डेट्स हम आराम से सीरियल वाइज याद करेंगे, डेट जिससे बहुत इजीली याद हो जाएंगी डेट. ठीक है, तो अब हमने इंट्रोडक्शन ले लिया इस चैप्टर का. हाँ, एक और आपको मिलेगा जहाँ पे कुछ जगह ऐसा पार्ट आएगा जिसमें यूरोप की कुछ चीज़ें रहीं जो इन सब में कॉमन रही थी. अब वो क्या था जो कॉमन रहा था? जैसे कि कुछ लोग थे जिन्होंने खाली अपनी कंट्री में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग स्प्रेड की थी, वो पढ़ेंगे हम. और कुछ चीज़ें थी जो यूरोप में कॉमन थी वो भी हम एक साथ ही पढ़ लेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे. ठीक है, कि फ्रेंच का अलग पढ़े, जर्मनी का अलग पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सो चलिए चैप्टर पे आते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में. तो हम नॉट फ्रेंच, इट इज फ्रांस, फ्रांस, सॉरी सॉरी, यू ऑल्सो रिकेट यू, वट एवर, हमें हिस्ट्री लर्न करने से मतलब है एंड वट एवर इट सेज. ठीक है, तो फ्रांस में क्या था? फ्रांस में ऐसे ही तो आ नहीं गई होगी, ऐसे ही तो डेमोक्रेसी मिल नहीं गई होगी. तो फ्रांस में जब लोगों को पता चला नेशनलिज्म के बारे में कि भाई नेशनलिज्म की फीलिंग जब लोगों में आई, तो उन्होंने भी
एक तरीके से वॉर्स करे, और इवन वॉर्स के साथ साथ जैसे अपने इंडिया में हुआ था, जैसे नेशनल्स की फीलिंग आई, लोगों ने वॉर्स करे, सत्याग्रह करे, और एक तरीके से अपोज करना स्टार्ट किया जो भी वहाँ पे मोनार्की रूल था. अभी तक यहाँ पे मोनार्की रूल चला था, तो उन्होंने अपोज करना स्टार्ट किया, नहीं भाई हमें भी राइट चाहिए, हम सबको इक्वालिटी चाहिए, हमें ऐसा नहीं, मोनार्की रूल नहीं चलेगा. ठीक है, तो एक तरीके से यूरोप में फ्रांस ने मेन रोल प्ले किया था नेशनलिज्म का, जो कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन आप 1789 में पढ़ेंगे, 1789 को रिकॉल करेंगे. इट वॉज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789. इट वॉज द मेन रिवॉल्यूशन जिससे काफ़ी सारे चेंजेस भी आए, मतलब रिवॉल्यूशन तो बहुत हुए, लेकिन जो 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो मेन रिवॉल्यूशन था जिससे कई सारे चेंजेस आए. कौन कौन से चेंजेस थे? फर्स्ट चेंज आपका ये था, पावर जो थी, जो पावर मोनार्की में थी, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन पीपल. तो जो पावर मोनार्की, वी ऑल नो व्हाट इज मोनार्की, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे एक ही पर्सन पे सारी पावर्स होती हैं. तो जो पावर मोनार्की यानी एक इंसान होल्ड कर रहा था, अब वो पावर्स कॉमन पीपल पे चली गई. ये नहीं मतलब कॉमन पीपल लेने लगे, एक तरीके से आप कह सकते हो डेमोक्रेसी, कहीं तक पूरी डेमोक्रेसी नहीं कह सकते क्योंकि डेमोक्रेसी की प्रॉपर डेफिनेशन तो कुछ और ही होती है. सेकेंड, न्यू फ्लैग वॉज इम्पोज्ड. अब न्यू फ्लैग, अब कुछ सोचेंगे ऐसा क्यों न्यू फ्लैग लाने की क्या ज़रूरत थी. न्यू फ्लैग लाने की ज़रूरत ये थी, अभी तक जो फ्लैग था एक तरीके से वो ये जो था वो मोनार्की रूल को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अब जो था एक न्यू फ्लैग लाया गया, जो कि एक तरीके से ट्राई कलर फ्लैग लाया गया. अ फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड. ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग लाया गया जो कि एक तरीके से डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा था. ठीक है, अब थर्ड था फ्रेंच, अब फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज, ताकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल फ्रेंच बोलते थे तो वो फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया. एंड आर फोर्थ पॉइंट इज सॉरी न्यू नेशनल एंथम वॉज इम्पोज्ड. ठीक है, अब नेशनल एंथम भी न्यू बन गई, जो सभी लोग गाते थे, ऑब्वियसली बात है पहले इतना राइट्स नहीं था. एंड द नेक्स्ट पॉइंट से ई स्टेट जनरल्स वर इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली. ठीक है, तो जो स्टेट जनरल्स जो थे वो एक तरीके से जो भी थे वहां पे डिसीजंस वगैरह लेते होंगे, पहले वो अपने आप इलेक्ट कर दिए जाते, मतलब एक पर्सन था वही इलेक्ट करता था, उसी का मन मर्जी चलती थी, तो वो जिसे चाहे वो इलेक्ट कर सकता था. लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब वो कॉमन पीपल उन्हें इलेक्ट कर रहे थे, और उसका रीनेम्ड नेशनल असेंबली. ठीक है, उससे का न्यू नेम रख दिया गया नेशनल असेंबली. एंड लास्ट पॉइंट इज जो आर्मीज थी, तो हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो ये फ्रेंच में नेशनलिज्म की फीलिंग थी और ये सब जो हो रहा था उसका मेन क्रेडिट किसे जाता है, वो था आर्मी, आर्मी को. तो आर्मी ही थी जिसने मेन रोल प्ले किया था नेशनल्स की फीलिंग स्प्रेड करने में फ्रेंच में, फ्रांस में. तो आर्मी ने, आर्मी डिसाइडेड टू टेक आइडिया अब्रॉड यूरोप. ठीक है, तो आर्मी, सॉरी अब्रॉड फ्रांस इन,
तो अब जो आर्मी थी उन्होंने डिसाइड किया कि ना जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो हम फ्रांस के बाहर यूरोप में भी लेकर जाएं, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने किया, वो बाहर भी अब्रॉड द फ्रेंच आइडिया ऑफ नेशनलिज्म लेके गए। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो और इनको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का आपका, 5 to 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, ज़्यादातर तो 5 मार्क्स का ही आता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो क्या क्या चेंजेस हुए थे, 5 मार्क्स ये पॉइंट्स लिख देना, कोई भी 5 पॉइंट्स, ये 1, 2, 3, 4 ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ये तो खैर है एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हो, और वैसे भी ईजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे भाई अब क्या हुआ, 1789 में तो मिल गई इन्हें फ्रीडम, हम कह सकते हैं ना डेमोक्रेसी मिल गई, अब किसी को ये बात हजम नहीं हुई, नोप्स। अब 1799 में फिर से एक राक्षस ने जन्म लिया, मतलब जन्म नहीं लिया, मतलब आया फ्रांस में आया, जिसने कि फिर से मोनार्की रूल इस्टैब्लिश किया। ये 1 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हु इस्टैब्लिश मोनार्की रूल अगेन इन फ्रांस, दैट पर्सनैलिटी वॉज नन अदर दैन नेपोलियन बोनापार्ते, जिसके बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा। अगर आपने हिस्ट्री ध्यान से पढ़ी है तो आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में नेपोलियन के बारे में बहुत कुछ दे रखी है, पूरी आत्मकथा दे रखी है आपको नेपोलियन की और फ्रेंच की, क्या क्या इन्हें काम किए थे फ्रेंच में, ठीक है। हम इसे इधर ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे नेपोलियन के, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ते आए और 1789 बेचारों को, ए नहीं एक साल, 1789 1991 और ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, क्या 1799 में फिर से मोनार्की रूल आ गया फ्रेंच में, फ्रांस में, सॉरी सॉरी आई एम रियली रियली वेरी सॉरी। तो 1799 से 1815 तक किसका रूल रहा था, नेपोलियन रूल, ठीक है। 1799 से 1815 तक नेपोलियन का रूल रहा था, ठीक है। अब इन नेपोलियन ने क्या क्या किया था, तो नेपोलियन ने एक सिविल कोड लॉन्च किया, जिसे हम नेपोलियन कोड, कोड भी कहते हैं। तो ये हुआ था 1804 में, रिमेम्बर द डेट, ओके। लास्ट में मैं आपको डेट्स बताती जाऊंगी, नहीं तो हम इधर लिखते हुए चलते हैं। 1799 से 1815 एक डेट हमारी ये जो याद करनी है, 1804 डेट याद करनी है, 1789 भी हमें याद करनी है, ठीक है। अब डेट याद कैसे करनी है वो भी बताते हैं हम भाई। अब तो 1804 में सिविल कोड आया जो कि नेपोलियन लेके आया, उस सिविल कोड में क्या क्या था, कुछ अच्छाइयाँ भी थी जिनको लोगों भी हमें याद करनी है, ठीक है। अब डेट याद कैसे करनी है वो भी बताते हैं हम भाई। अब तो 1804 में सिविल कोड आया जो कि नेपोलियन लेके आया, उस सिविल कोड में क्या क्या था, कुछ अच्छाइयाँ भी थी जिनको लोगों, तो लोगों ने इंजॉय भी की, कुछ राइट्स थे जो लोगों ने इंजॉय किए, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, फर्स्ट आया हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल पीपल्स वर इक्वल बिफोर लॉ, वहाँ पे कुछ अब ऐसा नहीं रह गया था, पहले था, पहले तो था कि हाँ डिवाइडेड थे पीपल ऑन द बेसिस ऑफ मनी, जिस पे ज़्यादा मनी है वो ज़्यादा भाई, उसकी ज़्यादा पावर है, जिस पे कम नहीं है उसकी कम पावर है, ठीक है। लेकिन अब इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गई। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है राइट टू प्रॉपर्टी, भाई राइट टू प्रॉपर्टी अब ये क्या है, पहले क्या था वहाँ पे
पहले जो लोग थे उनके खुद के ही लैंड पे उन्हें काम नहीं करने दिया जाता था। मतलब वो जो पैसे वाले लोग होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, उन पे अगर मान लो एक ही फार्मर है, इस पे छोटा सा लैंड है, तो एक मोटा सा लैंड ओनर आता था और वो उससे जबरदस्ती, इवन गवर्नमेंट के भी कुछ लोग थे, वो जबरदस्ती उससे उसी के लैंड पर वो कराते थे जो वो चाहते थे, ठीक है। और इवन उसे अपने लैंड पे भी काम कर उस ये अपने लैंड पे भी काम कराता, उसके भी लैंड पे काम कराता था, और वो अपनी मर्जी से अपने ही लैंड पे काम नहीं कर सकता था, और उसे इतना इवन प्राइस तक नहीं मिलता था, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया था, राइट टू प्रॉपर्टी हो गया था, भाई ये प्रॉपर्टी उसकी है तो उसी की है, उसके अलावा कोई नहीं ले सकता उसे, और वो जो चाहे वो उस प्रॉपर्टी का कर सकता है। एंड अ थर्ड पॉइंट इज फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। अब आप सोचेंगे फ्यूडल सिस्टम क्या है, तो मैंने आपको बताया अभी फ्यूडल, अभी जो फ्रेंच फ्रांस था उसमें लोग कैसे डिवाइडेड थे, ऑन द बेसिस ऑफ मनी। तो वहाँ पे जैसे डिवाइडेड थे किंग, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि हाँ किस टाइप से डिवाइड थे, नोबल, नाइट्स एंड पीजेंस, ठीक है। तो किंग कौन थे, वी ऑल नो, नोबल्स जो किंग के अंडर काम करते थे, नाइट्स वो थे जो मतलब चर्चेस वगैरह के जो लोग थे, और पीजेंस वो, पीजेंस तो वी ऑल नो हुआ पीजेंस, और पीजेंस ही वो लोग थे जिन्हें सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता था, वो इनके अंडर भी काम करना पड़ता है, इनके अंडर भी, और उन्हें कोई राइट भी नहीं मिलता था, ठीक है। तो अब इसे क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, एंड आर फ्री पीजेंस फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम मतलब जो भी सफर कर रहे थे पीजेंट्स, जबरदस्ती उन्हें काम करवाया जाता था वगैरह वगैरह, तो उसे फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। एंड थर्ड सॉरी 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 फिफ्थ पॉइंट, इट्स द फिफ्थ पॉइंट, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। जितने भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शन थे, मीन टू से जो रेस्ट्रिक्शंस आ रहे थे ट्रेड में, वो भी एबॉलिश कर दिए गए। लास्ट पॉइंट कहाँ लिखे हम इधर लिखते हैं, ठीक है, मैं इसे रेस कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो बैक करके। एंड द लास्ट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी इम्प्रूव, ठीक है। अभी आप, मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अब आप ही अपनी लैंग्वेज में जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, मग अप मत करना, अपने लैंग्वेज में लिखना इजी रहेगा। तो क्या कहते हैं, फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, पहला राइट टू इक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेकेंड राइट टू प्रॉपर्टी। थर्ड फ्यूडल सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड। फोर्थ फ्री पीजेंस फ्रॉम सर्फडम। फिफ्थ गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर एबॉलिश्ड। एंड द लास्ट वन वॉज ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इम्प्रूव्ड। एज यूजल आई टोल्ड, दिस होल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पूरे चैप्टर में ये भी आता है, इसका मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो कृपया करके इसे अच्छे से याद करें अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे, तो ये तो हो गए इसके कुछ अच्छी चीज़ें जो सिविल कोड की थी, और यू कैन से नेपोलियन कोड जो 1804 में लॉन्च हुआ था, किसने किया था, नेपोलियन ने लॉन्च किया था। चलो एक बार फिर से देर से स्टार्ट करते हैं, एक मेरे साथ बोलो, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था जिसमें कई सारे चेंजेस आए थे जो हमने अभी पहले पढ़े थे। पहला क्या था, वहाँ पे न्यू नेशनल एंथम इम्पोज हो गई। सेकेंड न्यू फ्लैग वॉज इम्पोज, ये तो बहुत इजी है, नेशनल एंथम आ गई और न्यू फ्लैग आ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट वॉज ईस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, जो ईस्टेट जनरल थे वो कॉमन पीपल इलेक्ट करने लगे और रीनेम द नेशनल असेंबली, ठीक है। और फ्रेंच उसकी नेशनल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया।
पावर जो थी जो मोनार्की में थी अब वो कॉमन पीपल में आ गई, और आर्मीज ने डिसाइड किया चलो अभी आइडिया बाहर लेके चलते हैं यूरोप में, फ्रेंच में तो हम नए नेशनल डेमोक्रेसी ले ही आए हैं, ठीक है क्या डेमोक्रेसी लाए फिर आ गई मोनार्की बेचारे। चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे पढ़ते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। इसके ड्रॉबैक्स, दो ड्रॉबैक्स थे इसके। पहला और बहुत इम्पोर्टेंट, सेंसरशिप बहुत इम्पोज। आप कुछ सोचेंगे सेंसरशिप क्या होता है, कुछ को पता होगा, चलो तब भी हम बता देते हैं सेंसरशिप क्या होता है। सेंसरशिप एक तरीके से आप ये समझ लो एक फरमान पास किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी ने भी राजा के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसका सर कटवा दिया जाएगा। किसी न्यूज़पेपर में उसके खिलाफ नहीं छाप सकते, मिनटों से पूरा न्यूज़पेपर उसके कंट्रोल में होता है, वो जो चाहे वो डिलीट करवा सकता है, वो जो चाहे वो ऐड करवा सकता है, और कोई भी इंसान उसके फैसले के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। इससे ज़्यादा हिंदी मुझसे नहीं बोली जाएगी, तो हम सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंसरशिप। सो आर सेकेंड पॉइंट इज पीपल मैन, आई एम नॉट सेइंग मैन विल बी मैन, मैन वर फोर्स्ड फोर्स्ड टू ज्वाइन आर्मी, नथिंग एल्स ऑन, ठीक है। मैन वर फोर्स्ड टू ज्वाइन आर्मी, अब मैंस जो थे उन्हें फोर्स किया जाता था आर्मी ज्वाइन करने के लिए। वेल, अगर नाइन्थ में किसी ने भी ढंग से पढ़ाई की होगी तो शायद उसे याद हो, ये हम नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं कि हाँ मैंस जो थे उन्हें फोर्स करते थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए उसके ड्रॉबैक्स, ठीक है। अब हमने ये सब तो पढ़ लिया फ्रेंच में क्या था क्या नहीं था, अब मैं एक बार फिर रिवाइज कराऊँ, नहीं करा रही मैं, फिर से देख लो वीडियो, ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए। अब हम आगे आते हैं कि यूरोप जो था वो किस बेसिस पे डिवाइडेड था। पूरे यूरोप की अभी हम बात करेंगे, खाली फ्रांस या जर्मनी इटली एक की बात नहीं करें, पूरे यूरोप की बात करेंगे। तो इसमें थ्री टाइप से लोग डिवाइड थे, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी आज सेकेंड वर्ल्ड, मिडिल क्लास एंड द लास्ट वर्ड पीसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे तीन टाइप के लोग डिवाइडेड थे टिल 1750, मिड ऑफ 18 से 1750 तक तीन टाइप के लोग डिवाइडेड थे, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास और पीजेंट। अभी तक कोई भी नेशन स्टेट नहीं थी। तो अब आप पूछेंगे नेशन स्टेट क्या होती है, नेशन स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ पर कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन वगैरह फॉलो किया जाता है। और क्यों नहीं थी, ऐसा क्यों था नहीं थी, एक्चुअल में वहाँ पे क्या था भाई, एक ही स्टेट है, एक ही कंट्री, उसमें कई टाइप के लोग रहते थे, फ्रांस के भी है, जर्मन के भी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी नहीं थी, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे दूँ। तो इस तरीके से वहाँ पे नेशन स्टेट बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो यूरोप में थ्री टाइप्स के लोग डिवाइड थे, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, पीजेंट्स। तो एरिस्टोक्रेसी एज क्लियर्ड बाय नेम, ये थे रिच पीपल, ठीक है, जो किंग्स वगैरह होते थे ना, इन्हें कहते थे एरिस्टोक्रेसीज, भाई बहुत पैसे वाले लोग होते थे, इन्हें कहते थे एरिस्टोक्रेसीज। तो ये बहुत कम होते थे, स्मॉल पीपल थे, मतलब मिंटो से इनकी जो संख्या थी, जनसंख्या, ये काफ़ी कम थी। और ये जो थे मैरिड, दे वर कनेक्टेड थ्रू मैरिड, मतलब ऐसा नहीं होता था कि एरिस्टोक्रेसी और जाके पीजेंट्स में उनने अपना विवाह रचाया, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो मतलब जैसा एज यूजल इंडिया में होता है, ये इसका है, ये हिंदू है तो हिंदू में जाएगा, ये इस कास्ट का है तो इसमें जाएगा, बस ऐसा ही एरिस्टोक्रेसी में कुछ था, ठीक है। ये रिच लैंड ओनर्स थे, ठीक है, हाँ किंग्स तो थे ही नहीं ना, तो किंग क्यों हुए, रिच लैंड ओनर्स थे, फैक्ट्रीज थी इनकी बड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये तो हो गए अपने एरिस्टोक्रेसीज, ठीक है। मिडिल क्लास जो थे वो थे एजुकेटेड पीपल, तो जो
एजुकेटेड पीपल थे वो आते थे मिडिल क्लास में, और पीजेंट्स वी ऑल नो फार्मर्स जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे, सबसे ज़्यादा यही सफ़र करते थे, और ये ज़्यादा मतलब इनकी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, ज़्यादा। अब आगे हम पढ़ते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो थे ये एजुकेटेड पीपल थे, तो एज यूजुअल जो एजुकेटेड थे तो इनकी क्या फीलिंग थी? एजुकेटेड थे तो इनका क्या था, इनका क्या मानना था कि जो यूरोप है उसमें होनी चाहिए डेमोक्रेसी, राइट टू इक्वालिटी। मतलब इनके लिए क्या मानना था, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एज यूजर एजुकेटेड थे तो सोच भी काफ़ी हाई लेवल की थी, तो इन और यही मिडिल क्लास पीपल थे जो आए आगे और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो मिडिल क्लास में कौन कौन आते थे? टीचर्स, और हमारे लाइक जॉब्स करते हैं राइटर्स, पोएट्स वगैरह, ये सब मिडिल क्लास में आते थे। तो उनका क्या मानना था भाई, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राइट टू वोट होने चाहिए, ऑल पीपल मस्ट बी इक्वल बिफोर लॉ, मतलब सब इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एरिस्टोक्रेसीज वो तो रिच थे, वो क्या चाहेंगे भाई, ऐसा ही रहे, हमें तो मज़े ही हैं। और पीजेंट्स तो ऑब्वियसली बात है, वो तो ऐसा चाहेंगे ही, ठीक है। अब इन सब के बाद भी दो प्रॉब्लम्स आ रही थी, हम अपनी डेट लिख लेते हैं 1750, ठीक है। अब हमारे टू प्रॉब्लम्स थी, क्या थी वो टू प्रॉब्लम्स इसके बाद भी? पहली तो प्रॉब्लम ये थी, स्टेट टू स्टेट ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड। जो स्टेट टू स्टेट ट्रेड था, ट्रेड जो होता था ना कि इधर से कुछ चीजें लाई, इधर इधर से इधर, वो रेस्ट्रिक्ट कर रखा था, वो बंद कर रखा था। सेकेंड, मेंस अबव 21 वर अलाउड टू वोट। तो जो मेन जो थे वो जो 21 से ज़्यादा एज के थे वही अलाउड थे, वो भी जिन पे ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, मतलब पैसे वाले थे एक तरीके से आप ये कह सकते हो। पीजेंट्स तो अभी भी अलाउड नहीं थे। तो यही जो थी वो टू प्रॉब्लम्स थी, कि जो स्टेट टू स्टेट ट्रेड वॉज रेस्ट्रिक्टेड, एंड द सेकेंड वॉज मैन अबव 21 वर अलाउड टू वोट डेट हैव प्रॉपर्टी। अब क्या हुआ, प्रूशिया ने एक यूनियन फॉर्म की, ठीक है, स्टेट यूनियन फॉर्म की। प्लीज़ रिमेम्बर दिस यूनियन, पिछले 2019-20 में ये क्वेश्चन आया था, विच यूनियन वॉज फॉर्म्ड। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं आया क्योंकि ये बीच में लिखा था, तो फिर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। फिलिप्स टाइप में आया था, विच यूनियन वॉज फॉर्म्ड बाय दिस यूनियन ऑफ प्रूशिया फॉर्म्ड यूनियन, ट्रेड यूनियन फॉर्म की थी 1834 में, विच यूनियन ट्रेड यूनियन फॉर्म की थी, जिसका नाम था जोल्वरिन यूनियन फॉर्म की थी प्रूशिया ने 1834 में, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें मतलब कुछ काफ़ी सारी कंट्रीज आगे आई, स्टेट सामने आई और उन्होंने इसे साइन किया। उसमें क्या था कि स्टेट टू स्टेट जो ट्रेड बैरियर्स थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया। बैरियर्स जो स्टेट टू स्टेट ट्रेड बैरियर्स थे वो ख़त्म हो गए। और अपना सेकंड था, जो 30 करेंसीज थी उनको रिड्यूस करके सिर्फ 2 करेंसीज कर दिया गया। अब आप सोचोगे भाई करेंसीज में क्या दिक्कत थी, करेंसीज में भी काफ़ी सारी फेस होती है, क्यों इस करेंसी की कोई एक करेंसी उसकी ज़्यादा कॉस्ट है, दूसरी करेंसी की कम है, तो इसलिए इस वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो वो 30 करेंसीज से रिड्यूस करके उसे कर दिया गया ओनली 2 करेंसीज, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया यूरोप का, अब आते हैं फिर से एक बार फ्रांस पे आ जाते हैं। अब फ्रांस में क्या हुआ, 1815 जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, 1799 से 1815 तक नेपोलियन का रूल रहा था। तो 1815 में क्या हुआ, 1815 में नेपोलियन बोनापार्ते को मार गिराया। किसने, एक इंसान ने नहीं भाई, पावरफुल था, ऐसे नहीं एक इंसान आएगा डिशुम डिशुम कर देगा, नहीं पावरफुल था। तो काफ़ी सारी कंट्रीज, ब्रिटेन,
ऑस्ट्रिया, दिस इज नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट इज ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, रिमेंबर दिस, ठीक है? तो ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रूशिया, ठीक है? ये जो फोर कंट्रीज थी, इन्हीं ने नेपोलियन को डिफीट करके फ्रांस पे अपना रूल लिया। अब उन्होंने क्या किया, ट्रीटी ऑफ वीना जब बिठा दी 1815 में, तो उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए। क्या क्या थे? पहला, प्रूशिया गॉट सम इम्पोर्टेंट टेरिटरीज, वेस्ट, तो कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरीज थी फ्रांस की, वो किसने ली? सेकेंड, ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, ठीक है? और एक पॉइंट था कंट्रीज, आर्मीज आर्मीज वर सेटअप ऑन द बॉर्डर टू एक्सपेंड द फर्दर एक्सपेंड फर्दर। तो आर्मीज जो थी वो जो फ्रांस थी वहाँ उसके बॉर्डर्स, स्टेट टू स्टेट बॉर्डर्स पे सेटअप कर दी गई थी, जिससे कि वो वॉइस रेस ना कर पाए और आगे फर्दर एक्सपेंड ना कर पाए, ठीक है? 1, 2, 3, 4th एंड योर फोर्थ पॉइंट वॉज बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रीस्टोर्ड। जो बॉर्बन डायनेस्टी थी वो उठाकर जब आए थे नेपोलियन, ने उठाकर फिश फेंक दी थी, अब वो उसे रीस्टोर कर दिया गया। और एक लास्ट पॉइंट है कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 states डन बाय नेपोलियन वॉज रिमेन अनटच, ठीक है? जो कॉन्फेडरेशन किया था, मार करके इंक खत्म हो गई, सॉरी। और हमारा चैप्टर चैप्टर नहीं, पार्ट खत्म हो गया। कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 states वॉर डन बाय नेपोलियन, जो था वो रिमेन अनटच, उसे किसी ने नहीं छुआ छेड़ा। तो हम फिर से एक बार डेट्स रिवाइज करते हैं। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1799 टू 1815 क्या हुआ था, नेपोलियन आ गया था। 1804 नेपोलियन को, नेपोलियनिक कोड आया था। 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना हुई थी। एंड 1750s का जो हमने पीरियड किया था, मिड 1815, जहाँ पर आपको बताया था कि यूरोप में तीन टाइप में डिवाइडेड थे लोग, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास एंड पीजेंट्स, ठीक है? होप यू ऑल अंडरस्टैंड टिल नाउ। अब एक तरीके से आप ये समझ लो, फ्रांस का जो पार्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, दी एंड है, बस हो गया, जितना हमें पढ़ना था फ्रांस का उतना पढ़ लिया। अब आगे है कुछ, हम यूरोप के बारे में, पूरा यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, फिर इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर वो भी आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेना, ये वाला और नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है? और लास्ट में आपको कुछ, हाँ, इस बार पिक्चर्स भी, इस बार पिछली बार भी था कि हाँ पिक्चर्स आएंगी, बट नहीं आई थी, कोई भी सेट में नहीं आई थी पिक्चर। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ना, अब ज़रूर देने वाले हैं पिक्चर, ज़रूर आएगी पिक्चर्स। तो सारी पिक्चर्स को ना स्टार्टिंग से ही करके चल रहा है, क्योंकि एंड टाइम पे, पहले थोड़ा सा लेट बताया था कि हाँ पिक्चर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पे आएंगे, तो एंड टाइम में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी लर्न करने में, तो अब पहले से ही स्टार्ट करते हुए चल रहा है पिक्चर्स को, मतलब एक तरीके से उन्हें ध्यान से देखना कि वो कहना क्या चाहती है, और उस हिसाब से ऑप्शंस आते हैं तो आप इजीली लगा सकते हो। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर, दैट्स ऑल योर चैप्टर, चैप्टर नहीं,
पार्ट वन एंड्स. वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. बाय बाय, सी यू इन द सेकेंड पार्ट.